सांस छोड़ते हुए हेड डाउन। फोर्थ एंड लास्ट, एक बार और रिपीट करिए, इनहेल हेड अप, एक्सहेल हेड डाउन, और सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाएंगे। ये नेक का फर्स्ट स्टेप था, आप सेकेंड स्टेप करेंगे जिसमें सेंटर में इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट साइड पीछे की तरफ अपनी क्षमता के अनुसार अपनी गर्दन को स्ट्रेस देंगे। ध्यान रखेंगे गर्दन के लेफ्ट साइड में जो खिंचाव आ रहा है। सांस लेते हुए वापस आएंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे और लेफ्ट साइड से अपनी चिन के लेवल को शोल्डर तक लाने की कोशिश करेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल के साथ वापस हेड को सेंटर में ले आएंगे। अब थर्ड स्टेप करेंगे जिसमें अपनी नेक को शोल्डर से, जैसे आपको अपने ईयर को शोल्डर से लगाना है, नेक को राइट एंड लेफ्ट साइड बेंड करेंगे और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ओवर प्रेशर नहीं डालेंगे। पहले सांस को लेंगे, स्लोली एक्सहेल करेंगे और अपने ईयर को शोल्डर के राइट शोल्डर के साइड ले जाएंगे बिना कंधों को ऊपर उठाए। सारा जो आपका ध्यान है वो लेफ्ट साइड जो खिंचाव आ रहा है वहां पर है। सांस लेते हुए फिर से वापस आएंगे, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड करेंगे। सामने देखना है, गर्दन को ढीला नहीं छोड़ेंगे। इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट साइड। अब इनहेल के साथ वापस हेड को सेंटर में ले आएंगे। अब नेक स्ट्रेचिंग में ही लास्ट फोर्थ स्टेप करेंगे जिसमें अपने नेक से हमें सर्कुलर रोटेशन करना है। इनहेल के साथ हेड को पीछे ले जाएंगे और एक्सहेल के साथ चिन से जैसे बिग सर्कल बना रहे हैं। इनहेल के साथ हेड पीछे जाएगा, एक्सहेल करते हुए आगे से रोटेशन देते हुए वापस पीछे जाएंगे। ऐसे फोर सर्कल राइट टू लेफ्ट एंड फिर फोर लेफ्ट टू राइट। किसी को भी अगर सर्वाइकल है तो हेड डाउन नहीं करेंगे, हाफ सर्कल बनाएंगे राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। बहुत तेजी के साथ नहीं, स्लोली करेंगे। ध्यान गर्दन के चारों तरफ जो खिंचाव आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है वहां पर रहे। इससे नेक मसल्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी और ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जो गर्दन है उससे ही हमारे शरीर में नस नाड़ियों का जो जुड़ाव है पूरे शरीर की तरफ फैला हुआ है, तो इसमें सबसे पहले टाइटनेस नहीं होनी चाहिए, तो इसी से हम अभ्यास को हमेशा शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या नेक शोल्डर की प्रॉब्लम है उसके लिए भी क्रिया बहुत अच्छी है, शोल्डर स्ट्रेचिंग। अपने दोनों हैंड्स को शोल्डर लेवल में ओपन करेंगे, बिल्कुल शोल्डर के साइड में ही आपकी रिस्ट होंगी। फिंगर्स को खोलेंगे, मैक्सिमम पाम्स के बीच में ऐसे स्ट्रेच देंगे फिंगर्स के बीच में। लंबा सांस लेंगे, फिंगर टिप छत की तरफ रहेंगे, ऐसे हाथ की ये जो आपके टिप्स हैं वो छत के पैडल है। सांस छोड़ते हुए अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर और कंधे को बाहर खिंचाव देंगे। फिर सांस लेंगे, स्ट्रेच करेंगे। अगर किसी को ऐसा करते हुए हाथ की उंगलियों के बीच में पेन हो या कोई प्रेशर आ रहा है तो बस ऐसे होल्ड कर सकते हैं, या फिंगर्स को भी जितना आप आराम से खोल पाए उतना ही खोल के रखेंगे। एक्सहेल क्लोज, अंगूठा अंदर, टाइट फिस्ट बनाएंगे। इनहेल ओपन, स्ट्रेच को फील करिए पीछे अपने गर्दन में, कंधे में, चेस्ट में, शोल्डर्स में। एक्सहेल क्लोज एंड स्लोली रिलैक्स। इससे यहाँ की टाइटनेस कम होती है नेक के पीछे जो स्पॉन्डिलाइटिस वाला एरिया है उसको रिलैक्स करने के लिए। अब नेक्स्ट करेंगे एक साथ पूरी बॉडी को स्ट्रेच, जिसमें सबसे पहले हम अपने दोनों हैंड्स को अपने थाइस से लगाएंगे,
सांस लेते हुए धीरे धीरे अपनी हथेलियों को छत की तरफ ले जाएंगे, पाम्स बाहर की तरफ रहेंगी, स्ट्रेच करेंगे कमर से पूरा ऊपर खींचेंगे शरीर को, उंगलियों को मिला के रखेंगे और कान से नहीं लगाना है, अपनी आर्म्स को ईयर से थोड़ा सा दूर, नेक में बिल्कुल प्रेशर नहीं हो, और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इससे हमने अपनी जो साइड मसल्स हैं जो ब्रीदिंग में हेल्प करती हैं इनको ओपन किया। अब फ्रंट मसल्स को, लंग्स मसल्स को एक्सपेंड करेंगे, हाथ सामने लाएंगे। ये सब चेस्ट ब्रीदिंग के स्टेप्स हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे, ध्यान होगा लंग्स के एक्सपेंशन में, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। वापस हाथ की हथेलियां थाइस के सामने रख लेंगे। अब थर्ड स्टेप करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग के साथ, आर्म्स स्ट्रेचिंग के साथ, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे और थोड़ा सा अपनी अपर बैक को पीछे से अंदर पुश करेंगे, चेस्ट को लिफ्ट करेंगे और हाथों को जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार खींचेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, हिप एंड लोअर बैक को यूज नहीं करना है। सांस छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब ये जो स्ट्रेचिंग है इनसे हमारा थोड़ा सा नेक शोल्डर चेस्ट वाला एरिया हमने ओपन किया। अब करेंगे कटी शक्ति विकासक क्रिया। पैरों के बीच में जिनकी बैक स्टिप है वो थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, हिप लेवल से थोड़े से पैर बाहर कर लेंगे, बाकी हिप लेवल में भी रख के खड़े रह सकते हैं। दोनों हाथ अपने शोल्डर लेवल में लाएंगे। कटी शक्ति जैसे इसका नाम है, इससे जो आपकी वेस्ट मसल्स हैं ये स्ट्रेंथन होती हैं और नेक शोल्डर या फिर लंग्स कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपने ट्रंक को धीरे धीरे राइट से ही ट्विस्ट करना है। हाथ की हथेलियां जमीन की तरफ है, राइट हैंड पीछे जा रहा है, लेफ्ट एल्बो बेंड हो जा रही है और लेफ्ट पाम राइट शोल्डर के पैरेलल आ जाए। पीछे अपनी हाथ की उंगलियों को देखेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे वापस आएंगे। अभी कई लोग गलत ये कर रहे हैं कि पीछे वाला हाथ सीधा रखे, इसको बेंड करना है और इसके पैरेलल रखना है। सांस लेते हुए वापस आइए, सांस छोड़ते हुए इसी को अपने अपोजिट साइड से करिए। जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं वो ब्रीदिंग को होल्ड कर सकते हैं और जो नहीं कर रहे हैं पहले से कभी योग अभ्यास वो सांस को रोकेंगे नहीं। वापस इनहेल, एक्सहेल, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, खिंचाव को महसूस करेंगे अपने गर्दन में, कंधे में, चेस्ट मसल्स में और कमर में। सांस छोड़ के वापस राउंड को कंप्लीट करिए। सेंटर इनहेल, ट्विस्ट विद एक्सहेल। सांस लेते हुए हाथ वापस ले आएंगे और रिलैक्स कर लेंगे। अभी हमने अपर बॉडी को किया है, अब थोड़ा सा हिप जॉइंट एंड वेस्ट को रोटेट करेंगे। पैरों को खोल लेंगे जितनी आपकी मैट की लेंथ है, नीज को टाइट रखेंगे और अपने वेस्ट एंड हिप जॉइंट से रोटेशन करेंगे। क्लॉक एंड एंटी क्लॉक 4 to 5 times। पैर बहुत ज्यादा नहीं खोलने हैं, मैट से बाहर नहीं होंगे। अगर किसी को भी बैक की प्रॉब्लम है, बैक में पेन है और ये रोटेशन करते वक्त स्पाइन पे प्रेशर फील हो रहा हो तो वो इसको बहुत स्लोली करेंगे और तब भी अगर प्रेशर आए तो फिर इसको स्किप कर देंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे। अब ध्यान बस आपके इसी रीजन में होना चाहिए, हिप एंड वेस्ट रीजन में। फोर टू फाइव राउंड दोनों साइड से करने के बाद अपने बैक को सीधा कर लेंगे। बस अब लोअर बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे, जिसमें अपनी जगह पे खड़े खड़े हैंड से फिस्ट बनाएंगे, एल्बो को वेस्ट से लगा लेंगे, अंगूठा अंदर रहेगा और धीरे धीरे एक ही जगह खड़े खड़े जैसे मार्च करते हैं हिल को पीछे बटक से टच करेंगे और अपने हाथ ऐसे आगे पीछे चलाएंगे। इससे लोअर बॉडी में भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, नीज स्टिफ है तो नीज थोड़े से खुल जाएंगे। स्लो नहीं करिए, अगर किसी को नी जॉइंट की प्रॉब्लम है तो वो स्लो करेंगे, बाकी थोड़ा सा इसको फास्ट करेंगे। और माउथ को क्लोज रखिए, ब्रीदिंग को कंटिन्यूस अपनी नोज से इन आउट करते रहिए, पाम्स ऐसे नहीं होंगी पैरेलल। हाथ सीधे नहीं होंगे, कोहनियों को मोड़ के कमर से लगाइए और फिर सीधा करिए, अंगूठा अंदर और वापस आ जाएंगे। अभी सांस तेज नहीं करेंगे क्योंकि आप में से कई लोग जो डेली प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो ये सूक्ष्म व्यायाम में ही थकने लग जाएंगे।
तो अभी हम ऐसा ही प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे जिसमें बहुत लाइट स्ट्रेचिंग है और हर कोई उसका अभ्यास कर सके। आप कुछ आसन के साथ शुरू करेंगे जिसमें सबसे पहले ताड़ आसन, जिसमें पूरे शरीर को स्ट्रेच देंगे। पैरों के बीच में कुछ इंच का अंतर होगा, हाथ की हथेलियां थाइस से लगा लेंगे। दोनों पाम्स को अपने शोल्डर लेवल में लाएंगे, फिंगर्स मिली हुई, और धीरे धीरे सांस लेते हुए हाथ ऊपर खींचेंगे। बिल्कुल सीधी एल्बोज होंगी। अपने लोअर एब्डोमेन को नेवल की तरफ लाएंगे और नेवल को पीछे खींचेंगे, घुटनों को टाइट करेंगे और धीरे धीरे अपने पैर के पंजों में आ जाएंगे। माइंड को कंसंट्रेट रखेंगे जहां जहां खिंचाव आ रहा है, अपनी एड़ी में, एंकल्स में, काफ्स में, नीज में, थाइज में, वेस्ट में, चेस्ट एंड शोल्डर्स में, और आईज फोकस रहेंगी सामने किसी भी एक पॉइंट में। इससे हमारी स्पाइन को बहुत अच्छा खिंचाव मिलता है, पेट में बहुत अच्छा प्रेशर आता है जिससे कि पेट की मसल स्टोन होती है, वेस्ट मसल स्टोन होती है, और लेग्स की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे, पैर नीचे और हाथ वापस ले आएंगे। अब इसी आसन को एक और वे में करेंगे, अपनी फिंगर्स को लॉक करेंगे और पाम्स को शोल्डर के सामने स्ट्रेच करेंगे। सांस भरते हुए अपनी स्पाइन को और शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट को एक्सपेंड करेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे और अपने पैर के पंजों में आ जाएंगे। फिर से एक बार फिर से ध्यान को अपने शरीर में, जहां जहां खिंचाव आ रहा है, कहीं भी ओवर प्रेशर नहीं आ रहा हो, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने शोल्डर, स्पाइन और लेग मसल्स, इनको पूरा स्ट्रेच दीजिए। ब्रीथिंग को नॉर्मल इन आउट करते रहेंगे, सांस नहीं रोकेंगे। धीरे धीरे एड़ी वापस और सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे ले आएंगे। इस आसन के साथ साथ हमने इसके जो बेनिफिट्स हैं मेन, वो भी अभी देखे। अब नेक्स्ट आसन करेंगे वृक्ष आसन, ट्री पोज। इस आसन के करते करते इसके बेनिफिट्स सुनेंगे। पहले अपने एक पैर पे, जो आपका स्ट्रांग लेग है, अगर राइट सबको ज्यादा स्ट्रांग लगता है तो राइट पे ही वेट को रखें और धीरे धीरे एक पॉइंट को देखते हुए अपनी लेफ्ट हील को राइट थाई के बेस से बिल्कुल ऊपर, जितना ऊपर रख सके ऊपर रख लेंगे। घुटने को जितना हो सके पीछे रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए, साइड मसल्स को लिफ्ट करते हुए पाम्स को मिला लेंगे। नाभि को अंदर खींचेंगे, पीछे से हिप आउट नहीं होगा, हिप को भी इनसाइड रखेंगे, कोहनियां सीधी होंगी। किसी को घुटने की प्रॉब्लम है और घुटना बैंड ज्यादा नहीं किया जा रहा है तो वो सिंपल खड़े खड़े भी अपनी पाम्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। नीचे नहीं देख के सामने देखेंगे। इस आसन को करने से एक तो सबसे पहले आपका बॉडी का वेट एक लेग में है तो लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए आसन बहुत अच्छा है। दूसरा, इससे हमारा माइंड कंसंट्रेटेड होता है, मेमोरी को शार्प करता है और सबसे मेन न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अब वापस आ जाएंगे। किसी भी आसन को जब आप करें कम से कम 15 सेकेंड उसमें रुकने का प्रयास करिए और अगर हो सके तो 15 सेकेंड से और ज्यादा। अब इसी को अपने दूसरे लेग से करिए। लेफ्ट लेग में बैलेंस करिए, किसी एक पॉइंट को देखिए, हिल को ऊपर रख लीजिए, घुटना पीछे, सांस लेते हुए अपनी बैक को स्ट्रेच दीजिए, साइड मसल्स को स्ट्रेच दीजिए, नेवल को अंदर टक करिए, आर्म्स ईयर के साइड में, कोहनियां सीधी। 2 से 3 लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ के वापस आ जाएंगे। इससे हमारा नी, थाई और हिप जॉइंट है जो, उसको भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है। बस अब अभी हमने थोड़े से बैलेंसिंग पोज, स्ट्रेचिंग पोज की, अब नेक्स्ट करेंगे थोड़े से स्पाइन को स्ट्रेच देने वाले पोज, जिसमें अपने पैरों को फिर से एक बार अपने मैट की चौड़ाई के बराबर खोल लेंगे। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंडिंग और स्पाइन की लेंथनिंग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पहले ही कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का ध्यान रखेंगे। अगर किसी को स्पाइन से रिलेटेड या बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो बस सांस लेंगे, शोल्डर एल्बो पीछे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए जितना नीचे जा सके बैक को सीधा रख के उतना ही नीचे जाएंगे। स्पाइन को आर्च नहीं करेंगे, पीछे से हंच नहीं करेंगे, सीधी स्पाइन के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे। और जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनकी स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है, वो अपने हाथ अपने घुटने के बाहर रखेंगे और धीरे धीरे अपने एंकल्स तक ले जाएंगे। हाथ से पैर को पकड़ लेंगे, एंकल्स को, अपनी लोअर बैक को पूरा अच्छा स्ट्रेच देंगे, हेड को ढीला छोड़ देंगे और पीछे वाली वॉल की तरफ देखेंगे और 10 से 15 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस लेके वापस आ जाएंगे।
अब इसकी जो कई लोग लॉन्ग प्रैक्टिस में अपनी बैक को ऐसे बैंड करके कर रहे हैं, जिससे कि स्पाइन नहीं खुलेगी, स्पाइन को सीधा रखना है। चाहे आप इतना ही झुक पा रहे हैं तो भी आपकी स्पाइन सीधी होगी, और नीचे ज़्यादा भी जा पा रहे हैं तो भी स्पाइन को सीधा रख के लोअर बैक से झुकेंगे। एक बार फिर से रिपीट करिए, सभी हैंड बेस में रखिए, स्पाइन को पहले ऊपर खींचिए, लंबा सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए पेट को पीछे लोअर बैक से खिंचाव देते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग करिए। तब आप देखेंगे आपके काफ्स, थाइस, हिप पे भी बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है और पूरी स्पाइन की लंबाई भी बढ़ रही है। बस सांस लेते हुए वापस आ जाइए। अब इसका काउंटर पोज, अभी हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की है जिससे कि हमारे पेट पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है, तो ये आसन फिर से पेट के लिए कुछ जो अच्छे आसन है उनमें से एक है। दूसरा, स्पाइन की मोबिलिटी को बढ़ाता है और हेड की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो माइंड है वो रिलैक्स होता है। काउंटर पोज में हम करेंगे अर्धचक्रासन, हाफ बैक बेंडिंग। इसमें अगर किसी की बैक में पेन है, लोअर बैक वीक है, तो अपने हाथ पीछे अपनी लंबर स्पाइन के दोनों साइड रखेंगे और अपर बैक से पीछे जाएंगे, बस लोअर बैक को बैंड नहीं करेंगे। बाकी सब अपनी कमर पे अपने हाथ रखेंगे, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, घुटने टाइट होंगे, पैरों को अच्छे से जमीन पे प्रेशर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए शोल्डर पीछे, पहले नेक को पीछे ले जाएंगे और फिर अपनी लोअर बैक से जितना हो सके उतना पीछे झुकेंगे। बॉडी में शिवरिंग नहीं होनी चाहिए, इतना पीछे नहीं जाएंगे कि बॉडी में स्ट्रेस आ रहा हो, थाइस मूव हो रही हो। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। जब हम एक ही दिन कर रहे हैं योग का अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, तो किसी भी आसन को ओवर स्ट्रेस नहीं देंगे, जबरदस्ती उसमें पीछे पुल नहीं करेंगे या आगे नहीं झुकेंगे या कहीं भी ओवर प्रेशर नहीं देंगे। और दूसरा ध्यान देंगे कि होल्डिंग भी 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो, जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। एक राउंड फिर से हम करेंगे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बेंडिंग का, जिसमें फिर से पहले अपनी वेस्ट को होल्ड करिए, सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए चेस्ट चिन को बाहर, पेट अंदर, पैरों को ऊपर उठाइए, पीछे से मसल्स को इंगेज करिए, स्पाइन लंबी बिल्कुल। अब जो रेगुलर प्रैक्टिसनर नहीं है, बैक को हांच ना करके स्ट्रेट बैक के साथ यहीं पे होल्ड करके रहें, और जो लग रहा है लोअर बैक को और पुल कर सकते हैं वो हाथ नीचे रख देंगे, हेड को ढीला छोड़ देंगे और स्ट्रेचिंग को फील करेंगे अपने पैरों के पीछे, पूरी स्पाइन में, और प्रेशर अपने पेट की मसल्स में। पेट दबा हुआ होगा, लोअर एब्डोमेन अपर थाई के ऊपर आ जाएगा और सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। लास्ट में एक बार फिर से इसका काउंटर पोज, अर्धचक्रासन, दोनों हाथ पीछे, या जिनकी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, जिनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपनी वेस्ट में, घुटने टाइट, और धीरे धीरे इनहेल करते हुए अपनी लोअर बैक से पीछे जाइए। कंधों को पीछे खींचना है, पहले नेक को लंबा रखना है, फिर शोल्डर को रोल करना है, फिर दोनों कोहनियों को एक दूसरे के पैरेलल रखने की कोशिश करनी है, एल्बो बाहर की तरफ ना होके अंदर। आंखें खुली रहेंगी, किसी को वर्टिगो हो तो वो भी इसको अवॉइड करिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस छोड़ते हुए। ये कुछ कॉमन प्रिकॉशंस हर आसन में ध्यान रखनी है। सर्वाइकल में नेक को बहुत बैंड नहीं करना है, आगे भी जाए तो गर्दन सीधी हमेशा, और वर्टिगो है तो पीछे नहीं जाना है। हर्निया है तो पेट को ज्यादा नहीं दबाएंगे, बैक पेन है तो स्पाइन को ओवर प्रेस नहीं करेंगे। बस अब एक लास्ट आसन स्टैंडिंग पोज में हम और करेंगे, जो लेग स्टेमिना को बढ़ाने के लिए और स्पाइन की साइड मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेस देते हैं, जिसके लिए अपने आसन में ही खड़े खड़े पैरों को 3 फुट के अराउंड खोल के रख लेंगे। पैर के पंजे सामने होंगे, त्रिकोण आसन का अभ्यास हम करेंगे। घुटने टाइट होंगे, एड़ी पंजे एक ही सीध में होंगे, आगे पीछे नहीं होंगे, और पैर का जो बाहर का एज है उसको अच्छे से जमीन पे प्रेस करके रखेंगे। उसके बाद अपने हाथों को कंधे की सीध में खोल लेंगे। हाथ की हथेलियां जमीन के पैरेलल रहें, कंधे ऊपर नहीं होंगे, शोल्डर लेवल में पाम्स। अब लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते, सॉरी एक बार पहले वापस आइए। इसमें भी हम दो वेरिएशन करेंगे। अगर किसी को एंकल या नी की प्रॉब्लम है तो वो इसी में साइड बेंडिंग करेंगे, जैसे अभी हम खड़े हैं। बाकी इसका जो ट्रेडिशनल पोज है उसी की तरह से करिए। अपने सीधे पैर के पंजे को 90 डिग्री में बाहर रोटेट कर लीजिए, एंकल, नी, हिप, ये सारा राइट साइड रोटेट कर लेंगे, लेकिन लेफ्ट हिप बाहर नहीं आ रहा हो, लेफ्ट हिप पीछे ही रहना चाहिए, दोनों हिप पीछे ही रहेंगे, नेवल सेंटर में ही रहेगा। उसके बाद अपने कंधों को खींचेंगे, लेफ्ट पंजा सामने है, राइट बाहर 90 डिग्री में है, लंबा सांस लेंगे,
और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पहले अपने शोल्डर को, फिर चेस्ट को, फिर लोअर बैक से जितना हो सके साइड बेंडिंग करेंगे। राइट हाथ की जो उंगलियां हैं वो काफ के पीछे या घुटने के पीछे, और लेफ्ट हैंड शोल्डर के ऊपर। ऊपर वाले हाथ को देखेंगे, नीचे नहीं देखना है। ऊपर जो नहीं देख पाए वो सामने देख सकते हैं। हाथ की हथेली सामने रहेगी ऐसे। कई लोगों ने अपनी पाम्स को पीछे कर लिया है, देखो सामने। आप खिंचाव को देखेंगे आपके गर्दन में, चेस्ट में, लोअर बैक में और पेट की मसल्स में भी। धीरे धीरे सांस लेते हुए जैसे गए थे पैरों को प्रेस करेंगे घुटने टाइट, और वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। अब जब हम इसका सेकेंड राउंड करेंगे तो इस आसन के प्रभाव को जिस जिस पार्ट के लिए अच्छा है, पहले पैर को फिर से लेफ्ट साइड बाहर, राइट सामने, घुटने टाइट, आर्म्स खोलेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे नीचे जाएंगे नेवल सेंटर में। अब देखेंगे आपका हाथ ऐसे जमीन के पैर जा रहा है, हाथ बिल्कुल सामने रखें। अब देखेंगे आपकी कमर की मांसपेशियों पे बहुत अच्छा खिंचाव पड़ रहा है, पीछे आपकी लंबर स्पाइन खुल रही है, हाथ की हथेली नीचे काफ के पीछे। आपकी चेस्ट शोल्डर मसल्स हैं, अपर बैक मसल्स हैं, इन सबको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल रहा है। आपके जो साइड एब्डोमेन है उसको बहुत अच्छी ओपनिंग मिल रही है। धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस आ जाइए और एक्सहेल के साथ रिलैक्स। बस अब पैरों को मिलाएंगे और अपने आसन पर वापस बैठ जाएंगे। ये बहुत सिंपल प्रैक्टिस हमने खड़े होने वाली की है, बट अभी कई लोग शायद रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है तो उनको यही शायद मुश्किल अभी थोड़ा लग रहा है, तो बहुत ज्यादा होल्डिंग ना करते हुए और रिपीटेशंस भी कम करते हुए हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हाथ पीछे रखेंगे और पैरों को रिलैक्स कर लेंगे। शिथिल दंडासन, जितने अभी हमने खड़े होने वाले आसनों का अभ्यास किया उससे पैरों पे जो प्रेशर पड़ा है या किसी को नेक शोल्डर में या बैक में, अपना ध्यान शरीर पे रखते हुए शरीर को बिल्कुल शिथिल, गर्दन थोड़ा सा ऊपर, और एक से दो लंबे गहरे सांस अंदर बाहर करिए। बस अब वापस बैक को सीधा कर लीजिए और नेक्स्ट आसन करेंगे, पैरों को मिलाएंगे, भद्रासन। अपनी लेफ्ट हील को लेफ्ट थाई के बेस से लगा लेंगे, राइट हील को राइट थाई के बेस से लगा लेंगे, जिसको हम बटरफ्लाई पोज के नाम से भी पॉपुलर है, शायद सभी इसका प्रैक्टिस करते हैं। हील्स को पीछे, कमर को सीधा, और जिनके नीज थाइज है, हिप में टाइटनेस है या नी की कोई प्रॉब्लम है वो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपने पंजों को आगे से पकड़ लेंगे। लोअर बैक झुका हुआ नहीं हो, लोअर बैक को सीधा करेंगे, चेस्ट ओपन हो, उसके बाद अपने नीज को थोड़ी देर के लिए मूव करेंगे। स्पाइन को जितना हो सके सीधा रखें, इसके लिए आप अपनी लोअर बैक को पीछे से अंदर और नेवल को आगे से अंदर, दोनों को टक करके रखें। इससे हमारे नीज, थाइज और हिप मसल्स स्ट्रेंथन होती हैं। आसन का प्रभाव अपनी लोअर बॉडी में ही फील करें। अभी हम नी जॉइंट्स को थोड़ा सा लूज करने के लिए इसको डायनेमिकली कर रहे हैं मूवमेंट के साथ, बट जो प्रॉपर आसन है आप उसमें थोड़ा सा रुकने का अभ्यास करेंगे। अपनी हील्स को अपने पेल्विस एरिया के जितना क्लोज कर सकें क्लोज कर लेंगे, स्पाइन को लंबा करेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन से लगाएंगे या जितना नीचे प्रेशर दे सके नीचे प्रेशर देंगे। बैक को ऊपर खींचना है, घुटनों को नीचे। 10 सेकेंड 15 सेकेंड रुकेंगे, स्ट्रेचिंग आपके इनर थाइज में बढ़ रही है, हिप जॉइंट में बढ़ रही है, और फिर वापस आ जाएंगे। अब इसको कई लोग अपने बैक को लंबा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको इस पर रुकने में डिफिकल्टी हो रही है, तो वो अपने हाथ के सहारे से करेंगे इसका एक मॉडिफाइड पोज। हाथ हिप के पीछे रखेंगे और पूरी हथेलियां ना रखे, इसे फिंगर टिप्स में रहेंगे। स्पाइन को पीछे हाथ में नहीं झुकाएंगे, स्पाइन हिप के ऊपर ही स्टेबल रहे सेंटर में। पीछे से हाथ में झुकना नहीं है, अपनी उंगलियों के टिप्स में ही रहेंगे और हिप के क्लोज रखेंगे। उसके बाद सांस लेंगे और सांस छोड़ के बैक को सपोर्ट मिल रहा है, घुटनों को खुद से नीचे प्रेस करेंगे। बैक जो आपकी स्पाइन है वो ऊपर खिंच रही है, घुटनों को नीचे प्रेशर मिल रहा है। 10 से 15 सेकेंड रुकेंगे
और धीरे धीरे आसन से वापस आ जाएंगे। अपने एंकल्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, पंजों को अंदर बाहर या अप डाउन दोनों स्टेप्स के साथ थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे। बस अब अपने दोनों पैरों को मिलाएंगे, हाथ अपने लेफ्ट साइड रखेंगे और अपनी पैर की एड़ियां मोड़ते हुए अपनी एड़ियों के बीचों बीच में बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन एकमात्र आसन है जो खाने के बाद किया जाता है। नी बैंड होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ बढ़ जाता है, इसलिए डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए या नी जॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, नी की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, दोनों के लिए अच्छा आसन है। जिनसे नहीं बैठा जाए, जिनके एंकल्स टाइट हैं, अभी यहाँ पे प्रॉप्स नहीं है वरना हम इसके नीचे रोल रख के मैट वगैरह रख के सपोर्ट के साथ करते हैं, तो वो घुटनों पे ओवर प्रेशर ना डालें, घुटनों के ऊपर खड़े ही हो जाएं। बस अब हम अभी कई लोग इसमें नहीं बैठ पा रहे हैं तो हम इसको ज्यादा समय ना बैठते हुए आप इसकी प्रैक्टिस बट अपने इवनिंग में अपने बेड में बैठ के करिए। खाने के बाद रोज 2-3 मिनट इसमें बैठने का अभ्यास करिए और जहां आपको दर्द हो रहा है अपने एंकल्स के पीछे या काफ्स के पीछे वहां एक पिलो को रख सकते हैं। बाकी अब यहीं से नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे, घुटने के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन अभ्यास जिसमें आपके घुटने हिप लेवल के अंदर ही रहेंगे, हाथ पीछे रहेंगे लोअर बैक के पास या जिनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है उनके अपनी वेस्ट के ऊपर, उंगलियां आगे और अंगूठे पीछे। अर्ध उष्ट्रासन यानी हाफ कैमल पोज जिसमें हम सांस लेंगे और धीरे धीरे अपने शोल्डर एल्बो को पीछे रखते हुए नेक को स्ट्रेस देते हुए जितना बेंडिंग हो सके पीछे की तरफ उतना बेंड करेंगे। यह आसन लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है। सबसे पहले आपको अच्छा खिंचाव अपने लंग्स पे फील करना है। नेक शोल्डर के स्टिफनेस को खोलता है, जिनके लिए सर्वाइकल जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत अच्छे आसनों में से है और लोअर बैक को स्ट्रॉन्ग करता है, लोअर बैक की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है। धीरे धीरे सांस छोड़िए और वापस आ जाइए। अभी हमने अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास किया। जिनको इसी को करने पे कठिनाई महसूस हो रही है, डिफिकल्टी फील हो रही है, वो एक बार फिर से 10 सेकेंड के लिए बस इसी को रिपीट करिए और बाकी जिनके स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी है वो पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें धीरे धीरे ऐसे ही जैसे अभी थे हम खड़े सेंटर में, एल्बो पीछे करेंगे, चेस्ट ओपन, सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, हिप को आगे रखेंगे और एक एक करके अपनी पैर की एड़ियों को पकड़ लेंगे, अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को प्रेस करना है। स्पाइन की पूरी बैक बेंडिंग हम फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा स्ट्रेच आपकी लोअर बैक में आ रहा है, शोल्डर्स में आ रहा है और चेस्ट में आ रहा है। जिनको थोड़ा सा गैप रह रहा है वो पंजों को ऐसे मोड़ लीजिए, ऊपर उठा लीजिए और फिर अपनी हिल्स को पकड़ लीजिए। अगर बैक में पेन नहीं है, बैक में पेन है तो अर्ध उष्ट्रासन का ही केवल अभ्यास करें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जैसे गए थे वापस आ जाएंगे और फिर से वापस आके वज्रासन में बैठ जाएंगे। अब यहीं से इसका काउंटर पोज नेक्स्ट आसन हम करेंगे, शशांक आसन, जिसमें हम अपने घुटनों को जैसे अभी वज्रासन में बैठे हैं इसी अवस्था में अपने घुटनों को खोल लेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा खोल सके। हिप हमारा दोनों हिल्स के सेंटर में ही रहेगा। कई लोगों को ऐसा बैठते हुए एंकल्स में खिंचाव आ रहा होगा तो वो घुटनों को मिला के ही रखें, ओवर प्रेशर नहीं डालें। अपने हाथ शोल्डर के नीचे रखेंगे, शशांक आसन जिसमें हमारे शरीर की आकृति खरगोश की तरह दिखती है, इसलिए इसको शशांक आसन रैबिट पोज कहते हैं। सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को स्लिप करते हुए आगे की तरफ ले जाइए और आपके जो चेस्ट और शीन है उसको जमीन से लगा लीजिए, हाथ बिल्कुल सीधे कंधे के सामने। कोशिश करिए कि हिप के ऊपर ही बैठे रहे, हिप से उठे ना। जिनको बहुत ज्यादा हाथ आगे खींचने पे बैक पे या कंधों पे जोर पड़ रहा है वो अपनी कोहनियों को मोड़ के अपनी फोरआर्म्स को एक दूसरे के ऊपर रखिए और उसके ऊपर अपने फोरहेड को लगा लीजिए, जिनका चिन या हेड नहीं नीचे पहुंच पा रहे हैं। और धीरे धीरे एक बार फिर से आसन से वापस आ जाइए। अब दोबारा जब हम इस आसन को, अभी पहली बार में आपने एड़ियों के ऊपर हिप को रखा है, ऐसे पीछे से अपनी एड़ियां बाहर, एंकल्स जमीन से छू रहे हो, एक बार फिर से इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक बार करने में सबको थोड़ा सा कठिनाई महसूस हुई होगी, जब दोबारा करेंगे बैक को थोड़ा स्ट्रेच मिल चुका है तो इजिली नीचे जा पाएंगे।
फिर से सांस लेंगे, सामने देखेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने हिप को कंटिन्यूस हिल पे प्रेशर देंगे और स्पाइन को एक्सटेंड करते हुए खोलते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। आपकी कोहनियां जमीन पे आ जाएं तो चेस्ट स्ट्रेचिंग को जमीन से लगा लेंगे। देखेंगे इससे स्पाइन की लंबाई बढ़ रही है, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, आपकी कंधों पे गर्दन पे बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है, आपके डायफ्रामिक जो मसल्स हैं उन पे भी बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। ये लंग्स कैपेसिटी को इन्हेंस करने वाले आसनों में से एक आसन है। आप धीरे धीरे वापस आ जाइए और इसका काउंटर पोज जो ऐसे बैठे रह सकते हैं वो इसी में बैठे बैठे इसके काउंटर और नेक्स्ट आसन को करेंगे, और जिनको ऐसे बैठने में पैरों में दर्द हो रहा है वो वज्रासन में ऐसे घुटनों को मिला लीजिए, और जो नहीं ऐसे भी वज्रासन में बैठ सकते हैं वो क्रॉस लेग्स सुखासन में आलती पालती में आके बैठे और उसी में नेक्स्ट आसन को करें जिसको हम उत्तान मंडुकासन कहते हैं, एक्सटेंडेड फ्रॉग पोज। अपने हाथों को स्ट्रेच करिए, बैक को लिफ्ट करिए साइड से भी पीछे से भी, वेस्ट मसल्स को चेस्ट मसल्स को सबको जितना ओपन कर सकते हैं ओपन करिए। अब इसी पोजिशन में रह के अपने राइट एल्बो को बेंड करिए और पीछे लेफ्ट शोल्डर से लगा लीजिए, और लेफ्ट एल्बो को बेंड करके राइट शोल्डर से लगा लीजिए जितना पीछे जा पा रहा है। ओवर प्रेस नहीं करेंगे, नेक को नीचे बेंड नहीं करेंगे, हेड सामने रहे, कोहनियां छत की तरफ रहे। ये आसन सर्वाइकल वालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अपने दूसरे हाथ की कोहनी को भी कलाई को मोड़िए और कंधे के पीछे रख लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छा आसन है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है ये, हार्ट को बहुत अच्छा इसमें स्ट्रेच मिलता है, हार्ट के लिए भी ये आसन बेस्ट आसन है। अब धीरे धीरे हाथ खोल के वापस आ जाएं। जो ज्यादा देर ऐसे नहीं बैठे रह सकते हैं वो वज्रासन में आ जाएं, और जो अभी और ऐसे थोड़ा बैठ सकते हैं वो अब इसी को दूसरे हैंड से करिए। अभी आपका एक हाथ ऊपर था दूसरा नीचे था, इस बार अपने हैंड्स की पोजिशन को चेंज कर लेंगे। स्ट्रेच करिए इनहेल, जो एल्बो आपने पहले मोड़ी थी इस बार उसके अपोजिट एल्बो को बेंड करिए और फिर दूसरी एल्बो को बेंड कर लीजिए। अब इसमें यह आसन सर्वाइकल के लिए अच्छा है, बट अगर हम इसमें नेक को आगे झुका लेंगे सर्वाइकल बोन पे ज्यादा प्रेशर देंगे तो ये पेन को बढ़ा भी सकता है। जिनको नहीं भी है उनको नेक में प्रेशर आने लगेगा, तो अपनी गर्दन को बिल्कुल सीधा रखें, और जिनको प्रॉब्लम है बट वो बैठ नहीं पा रहे तो इस आसन की प्रैक्टिस को चेयर में बैठे बैठे या खड़े खड़े भी रेगुलर कर सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। कोहनिया छत की तरफ, हाथ उतने ही पीछे जाएं कंधे के कि आपके गर्दन पे जोर नहीं पड़ने लगे। जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसल्स फ्लेक्सिबल होती जाएंगी और आपको होल्डिंग ईजी होता जाएगा। स्लोली वापस आ जाएंगे, बस अब पेट के सारे लेट जाएंगे। अब हम कुछ लेटने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे जिसमें सबसे पहले प्रोन पोजिशन में यानी अपने पेट का सहारा लेके मकर आसन में लेट जाएंगे। आप ऐसे इस मैट में लेट जाएंगे, अपनी बाई हथेली के ऊपर दाई हथेली लेफ्ट के ऊपर राइट पाम को रखेंगे, मकर आसन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें बॉडी का जो आकृति है वो क्रोकोडाइल जैसा लगता है, मकर कभी इसका नाम रखा गया है। पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का गैप होगा, एड़ियां अंदर होगी पंजे बाहर होंगे, बाई हथेली नीचे दाई उसके ऊपर, और या तो अपने फॉरहेड को या साइड फॉरहेड को जैसे आपकी नेक ज्यादा रिलैक्स हो गर्दन को उस डायरेक्शन में रिलैक्सेशन देंगे। अपने शोल्डर ब्लेड्स को बिल्कुल ढीला, हिप एंड लोअर बैक को बिल्कुल ढीला रखेंगे। यह आसन तनाव को कम करता है, शरीर को रिलैक्सेशन देता है और क्रॉनिक या एक्यूट बैक पेन में भी बॉडी को रिलैक्सेशन देने का काम करता है। जिनको गैस्ट्रिक ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए भी सिंपल आसन है, जब वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो सिंपल इसी तरह से लेट जाएं तो आपके पेट की मसल्स को भी रिलैक्सेशन मिलता है। माइंड में कोई थॉट नहीं चल रहे हो, पूरा ध्यान शरीर के शिथिलीकरण पे रिलैक्सेशन में हो। यहाँ पर हमारी सांसें धीमी लंबी और गहरी चल रही हैं और हमारे कंधे गर्दन और अपर बैक है जो वहाँ की मसल्स हैं उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है। अब यहीं से अपने दोनों हाथों को सीधा कर लीजिए, लेटे लेटे हाथों को ऐसे शोल्डर लेवल में सीधा कर लेंगे, चिन को जमीन से लगा लेंगे
और पैरों का जो डिस्टेंस है उसको कम कर लेंगे हिप लेवल में, यानी दोनों पैरों को ले आएंगे। जिनकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, लोअर बैक में टाइटनेस नहीं है, वो पैरों को मिला के रखेंगे। पंजों को उल्टा रखेंगे, जो आपके पैर के नाखून हैं, नेल्स हैं, वो जमीन से लगे हुए होंगे। एक एक करके पहले अपनी ध्यान को अपनी लोअर बॉडी में ले जाइए और अपने पैरों को पीछे की तरफ खिंचाव दीजिए, ताकि आपकी जो लेग्स हैं वो कम्प्लीटली एक्सटेंडेड हो, जमीन से ज़्यादा जुड़े हुए हों। अब अपने हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे कोनिया मोड़ते हुए अपनी चेस्ट के साइड में ले आइए, चिंग को जमीन से लगा लीजिए। अगर आपको आसन समझ नहीं आ रहा है देखना है, वरना माथा जमीन पर रखेंगे और हाथ की जो हथेलियाँ हैं वो चेस्ट के साइड में रहेंगी। सरल भुजंग आसन का अभ्यास हम करेंगे। आप सांस लेंगे और पहले अपनी नेक को लिफ्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे शोल्डर को लिफ्ट करेंगे, फिर चेस्ट को, और फिर नाभि वाले हिस्से को। नाभि से नीचे का हिस्सा नहीं उठना चाहिए। इस तरह से पूरा भार हाथों के ऊपर नहीं डालेंगे। आपने जैसे अपने हाथ पूरे सीधे कर लिए हैं, हाथों को पूरा सीधा नहीं करना है। वापस आएंगे एक बार सभी और एक बार देखेंगे फिर से। जब हम उठेंगे तो हमें अपने नाभि से नीचे वाले भाग को नहीं उठाना है, ताकि वजन हमारे हाथ में ना आके हमारी लोअर बैक में हो, और ये लोअर बैक की ही स्ट्रेंथनिंग के लिए किया जाता है। उठेंगे सांस लेते हुए, नाभि तक के हिस्से को उठाएंगे, कोहनियाँ अंदर रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा, कंधे पीछे होंगे, ऊपर कान की तरफ नहीं उठे होंगे, हेड सामने या ऊपर, जैसी आपकी नेक की फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग। और कंटिन्यूसली हिप को नीचे पुश करना है, पेल्विक मसल्स को नीचे, कोहनियाँ अंदर, कंधे आगे आ रहे हैं, कंधे पीछे, चेस्ट ओपन एक्सपेंडेड। सांस छोड़ते हुए स्लोली वापस आ जाएंगे। एक बार मकर आसन में बॉडी को फिर से रिलैक्स करेंगे और भुजंग आसन के प्रभाव को महसूस करेंगे अपने गर्दन की मांसपेशियों में, कंधे की मांसपेशियों में, चेस्ट मसल्स में एंड लोअर बैक मसल्स में। ये आसन स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए भी अच्छा है, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए भी अच्छा है, लंग्स कैपेसिटी को इन्हेंस देने के लिए भी अच्छा है, और पैल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। एक बार फिर से इसका अभ्यास करेंगे। हाथ फिर से अपनी चेस्ट के साइड में रखेंगे, कोहनियाँ कमर के पास होंगी, पैरों को पीछे एक्सटेंड करेंगे, माथा जमीन से लगाएंगे, पंजे उल्टे रखेंगे, नेल्स जमीन से लगे हुए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ ले जाइए। जिनकी बैक टाइट है, लोअर बैक में पेन हो, वो बस शोल्डर्स को उठाइए, चेस्ट भी उठाने की जरूरत नहीं है। और फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी आए तो एल्बो को शोल्डर के नीचे रखें, ऐसे सपोर्ट के साथ भी आप कर सकते हैं। कोहनियाँ जमीन पे रखें और फिर इसी में ऊपर देख सकते हैं, और जब थक जाए तो धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। और बाकी अपने हाथ ऐसे ही रखेंगे, कोहनी कमर के पास, लंग्स एक्सपेंडेड, पैर पीछे खींचे हुए, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आके मकर आसन में एक बार फिर से शरीर को शिथिल करेंगे। मकर आसन, बाएं के ऊपर दाया हाथ, माथा आपके हाथ के ऊपर या साइड फॉरहेड, और कंप्लीटली रिलैक्स बॉडी। अपर बॉडी पे जो खिंचाव या जो प्रेशर आ रहा है उसको पूरा ढीला छोड़ने का प्रयास करें, शरीर को तनाव मुक्त करने का प्रयास करें। अब अभी हमने अपर बॉडी को एक्सटेंड किया था, नेक्स्ट प्रयास जो हम करेंगे आसन का वो है शलभासन, जिसमें हम अपनी लोअर बैक की मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे। ऐसे लेटे रहेंगे और पहले आसन की स्थिति में आएंगे, अपनी चिंग को जमीन से लगाएंगे और हाथ की हथेलियों को अपनी थाइस के साइड में रख देंगे। पाम छत की तरफ होगी, पैरों को पास रखेंगे, जिनकी बैक स्टिफ है वो हिप लेवल के बराबर या उससे ज्यादा भी खोल सकते हैं। अब इसमें भी कई लोग दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पाएंगे, जैसे कि पूर्ण शलभासन की स्थिति है, तो वो एक सिंगल लेग को सांस लेके उठाए और पीछे की तरफ खींचे, और जो पहले से कर रहे हैं, जिनकी लोअर बैक स्ट्रेंथ है, नीज में अच्छी स्ट्रेंथ है, वो दोनों पैरों को एक साथ उठा लीजिए। चिन जमीन पे लगी रहे, इससे हमारे जब हम अपर बॉडी को नहीं उठा रहे तो लंग्स की मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी, लंग्स पे बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है, लोअर बैक मसल्स को मजबूत करता है। वहीं ध्यान जहां जहां आसन में खिंचाव आ रहा है, पैर को टेढ़ा करके दूसरी तरफ ना ले जाएं, और जिनको साइटिका पेन है उनके लिए आसन सबसे बेस्ट आसनों में से एक है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर वापस ले आए। एक एक बार फिर से रिपीट करें, जिन्होंने सिंगल लेग से किया है वो आप दूसरे लेग से करें। आसन में ध्यान रखें, एक तो आपका घुटना सीधा होना चाहिए, पैर को पीछे खींचना है, ठुड्डी आगे जमीन से लगी रहे, कंधे ढीले रहें, कंधों को उठाएंगे नहीं, ढीला रखेंगे,
और पूरा ध्यान आपकी लोअर बैक और हिप से जो पीछे की तरफ खिंचाव जा रहा है, पैर की मसल्स में, नर्व्स में जो खिंचाव जा रहा है वहां पर रहे। थाई हिप या फिर एब्डोमेन में जिनके फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए भी आसन अच्छा आसन है। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे और एक बार मकर आसन में फिर से शरीर को शिथिल करेंगे। मकर आसन, बाएं के ऊपर दायां हाथ, दोनों हाथ की हथेलियों के ऊपर आपका माथा हो, पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर हो, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, पैरों में कोई टाइटनेस नहीं हो। अभी समय की कमी है तो हम इस आसन के जो प्रोन पोज है उसके यही 2 अभ्यास करेंगे, जिसमें पहले हमने अपर बॉडी को फिर लोअर बॉडी को थोड़ा सा प्रेशर या स्ट्रेस दिया और अब सीधा होके स्पाइन के साथ लेट जाएंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को जमीन से लगाएंगे और चेहरा आपका छत की तरफ होगा। अब आपको बार बार इधर स्पेस टर्न करना पड़ेगा तो लेग्स को इस साइड करके आप लेट जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आसन पहले से करते हैं नाम से समझ जाएं तो वो ऐसे भी लेटे रह सकते हैं। अब सबसे पहले हम लेट जाएंगे, अपने ध्यान को अपने पूरे शरीर में ले आएंगे, पैरों को मिला लेंगे या नहीं मिला के रख पा रहे हैं, लोअर बैक में टाइटनेस है तो थोड़ा सा अंतर देंगे लेकिन हिप लेवल से बाहर ना हो, ये ध्यान देंगे। उसके बाद धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को अपनी थाइस के साइड में रख लें, जमीन से लगी हुई, सांस लेंगे और अपना दायां लेग यानी राइट लेग ऊपर की तरफ उठाएंगे जहां तक आप उठा पाए, जिसमें आपका हिप नहीं उठना चाहिए, लोअर बैक जमीन से लगा रहना चाहिए, स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स रहनी चाहिए, कंधा नहीं उठाएंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे, पंजे को अंदर खींचिए, एड़ी को बाहर, किसी को अगर बैक का इशू है तो दूसरे वाले घुटने को मोड़ के रखेंगे ताकि आपका पेल्विस रीजन जमीन से ज्यादा टिका रहे। पंजा अंदर, एड़ी बाहर, हाथ की हथेलियां जमीन में साइड में और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाइए। ये आसन जब हम कर रहे हैं तो इससे हमारे पैर की ना बस नस नाड़ियां खुल रही हैं, उनको खिंचाव मिल रहा है, बल्कि हमारे पेट के ऊपर भी ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ रहा है। अब इसी को अपने बाएं लेग से करिए और ध्यान पैर की मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है वहां पे बनाइए। पेट अंदर होगा, पंजा नीचे, एड़ी छत की तरफ, घुटना सीधा होगा, चाहे पैर आप कम उठाइए, जिनका लेग 90 डिग्री में सीधा हो सकता है वो बस 90 डिग्री में लाएं, बाकी 30 डिग्री या 60 डिग्री जहां आपकी बैक भी रिलैक्स है और पैर को भी ज्यादा से ज्यादा खिंचाव मिल रहा है। धीरे धीरे सांस छोड़े, पैर को वापस नीचे रख दें। अब अभी हमने 1 लेग एक्सटेंडेड पोज किया था जिसमें हमने 1 सिंगल लेग को उठाया था ताकि इसको हर कोई कर पाए। अब हम करेंगे उत्तान पाद आसन जिसमें दोनों पैरों को एक साथ उठा के ताना यानी खिंचाव दिया जाएगा। इसमें 2 वेरिएशंस के साथ करेंगे, जिनकी लोअर बैक में या कोई भी बैक से रिलेटेड इश्यू है वो एक घुटना मोड़ के अभी भी सिंगल वाला ही करेंगे, दोनों पैर नहीं उठाएंगे, बाकी सभी अपनी हथेलियां अपनी थाइस के साइड में रख दें, पैरों को मिला लेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए पैरों को इतना ऊपर उठाएंगे कि आपको अंगूठे का टिप दिख रहा हो, पूरा पैर का अंगूठा भी नजर नहीं आना चाहिए, अंगूठे का टिप दिख रहा हो, बिना सर उठाए, सर नहीं उठाना है, सर जमीन पे रहेगा और अंगूठे का टिप जहां दिखने लगे वहां पे पैरों को रोक लेंगे, पंजे अंदर खींचेंगे, एड़ी बाहर, घुटने सीधे रखेंगे, जो आसन का खिंचाव है वो पैरों में और जो प्रेशर है आसन को पैर उठाने की वजह से वो पेट के ऊपर आ रहा हो, और जब नहीं रोक पाए तो धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस नीचे ले आएंगे। एक बार रिलैक्स हो जाएं और फिर से इस आसन को रिपीट करेंगे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओवर प्रेशर नहीं डालना है, पेट को अंदर की तरफ खींचें, अपना लंबा सैक्रम रीजन रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है वो जमीन से बिल्कुल भी ना उठाएं, घुटने सीधे रहें, पंजे अंदर रहें, एड़ी बाहर रहें, और जब आपके पेट के अंदर के ऑर्गन्स वाइब्रेट करने लगें जो कि 15 से 20 सेकंड बाद होगा, तब तक आसन को रोकने का प्रयास करने का सोचें। सांस को नहीं रोकना है, सांस को नॉर्मल लेते रहेंगे और वापस आ जाएंगे। बस
वापस आने के बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, आंखें बंद करके अपने ध्यान को अपने लंबर रीजन में कमर के निचले हिस्से में रखें, उसको ज्यादा से ज्यादा जमीन की तरफ ढीला छोड़ दें। पैरों की एड़ी पंजे में हिप लेवल का स्पेस बना रहे, पैर के अंगूठे या एड़ियां मिले हुए नहीं होंगे, ना ही हिप लेवल से ज्यादा दूर होंगे। हाथ की हथेलियां अपनी थाइस के साइड में जमीन से लगा के रखेंगे। अब जो हम नेक्स्ट आसन कर रहे हैं, सेतु बंध आसन, जिसमें शरीर की जो आकृति है वो ब्रिज के समान हो जाती है। पहले आसन में आएंगे, उसके बाद उसके बेनिफिट्स को खुद से फील करेंगे। हाथ की हथेलियां थाइस के साइड में है, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा हिप के क्लोज है। धीरे धीरे सांस लेंगे, गर्दन कंधा नहीं उठाएंगे, अपने हिप को और बैक को ऊपर की तरफ उठाना शुरू करिए सांस लेते हुए। हाथ का पूरा सहारा लेके रखें। ये आसन घुटने, थाइस और हिप मसल्स तीनों को टोन करता है, आपकी वेस्ट मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, कोर मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हिप जॉइंट या लोअर बैक जॉइंट को स्ट्रॉन्ग करता है। और जब इस आसन में हम पूरा उठ जाएंगे, हाथ को बैक से पकड़ लेंगे, जो कि इसकी एडवांस स्टेज है, उसमें हमारे हार्ट के ऊपर भी बहुत अच्छा इसका प्रभाव पड़ने लगता है, लंग्स के ऊपर भी बहुत अच्छा खिंचाव आता है, जिसके लिए लंग्स कैपेसिटी को इन्हेंस करने वाले आसनों में से एक आसन है। जिनको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उनके लिए भी आसन बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। पहले स्पाइन को जैसे धीरे धीरे उठाया था, बिल्कुल धीरे धीरे ही नीचे रखेंगे, झटके से पूरी बैक नीचे नहीं लेकर आना है। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। अभी समय का कमी होने की वजह से हम बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, बट किसी भी जो आसन इजी है और जिसको सब कर सके, उसके कम से कम 2 रिपीटेशन आप जरूर करिए, ताकि आप उसके बेनिफिट्स को फील कर पाए। एक बार फिर से सांस लेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ ले सकते हैं, जो पहले से कर रहे हैं, जो हाथ से अपने पीछे से एंकल्स को पकड़ सकते हैं। सेकेंड स्टेज है वो इस आसन का। थर्ड स्टेज में जिनकी बैक और अच्छी फ्लेक्सिबल है, वो अपने हाथ से अपनी लोअर बैक को सपोर्ट देंगे और कोहनियों को जमीन पे रख लेंगे, लेकिन कोई भी जबरदस्ती नहीं करेंगे, अपने शरीर को उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखेंगे। घुटनों पे जो खिंचाव आ रहा है, थाइस में जो खिंचाव आ रहा है, हार्ट की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, वहीं पे ध्यान रहे। गर्दन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं होगा, शोल्डर ब्रॉड होते जाएंगे और ज्यादा फैलते जाएंगे, नेक लेंथन और लंबी हो रही है। सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक लंबा गहरा सांस लेके शरीर को रिलैक्स करेंगे, घुटने मोड़ के ही रखेंगे और पीछे वाले कई लोग शायद उनको बार बार गर्दन उठाना पड़ रहा है, इधर इतना स्पेस था, यहाँ लगा देते तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाते। अब इसके काउंटर पोज में हम दूसरा आसन यहीं से शुरू करेंगे, जो कि पूर्ण पवन मुक्त आसन है, लेकिन जिनकी बैक स्टिफ है या घुटने स्टिफ हैं, वो दोनों पैरों को एक साथ स्ट्रेच ना करके सिंगल लेग से करेंगे। पहले हम पूरा आसन देखेंगे, क्या करना है, उंगलियों को लॉक करना है, अपने घुटनों को पकड़ना है और धीरे धीरे खिंचाव देते हुए अंदर तक लाना है, कि पीछे से आपकी लोअर बैक नहीं उठनी चाहिए, हिप रोल हो जाए, अंदर की तरफ आ जाए, घुटने चेस्ट के ऊपर आ जाए और थाइस पूरी तरह से आपके पेट को अंदर की तरफ दबाव दे रही हो, पंजों को बाहर खींचिए। अब जिनको नेक या शोल्डर का प्रॉब्लम है, वो इस आसन में इतना ही रुकेंगे, बाकी एक लंबा सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी चिंग को अपने घुटने के बीचों बीच में लगा लीजिए, या अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आगे आ पाए उतना आगे आके रुक जाइए। चिंग को आगे घुटने से लगाने का प्रयास करना है। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल है तो हेड को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। यह आसन हमारी ना बस लोअर बैक को खिंचाव देता है, बल्कि अपर बैक को भी देता है, पेट के ऊपर बहुत अच्छा प्रेशर बनाता है, जिससे कि गैस्ट्रिक एसिडिटी या पेट से संबंधित जितने भी विकार हैं, उन सभी को क्योर करने के लिए भी बहुत अच्छा आसन माना जाता है। धीरे धीरे सांस लेके वापस आ जाए और पैरों को फिर से एक बार सीधा कर ले। बस अभी हम आसनों में इतने ही आसनों का अभ्यास करेंगे। अब सब आसन की अवस्था में आके लेट जाइए, अपने पैरों को 1 से 1.5 फीट की दूरी पे खोल लीजिए, लेटे लेटे सब आसन यानी डेड बॉडी पोज, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अपने दोनों पैरों को जितनी आपकी मैट की चौड़ाई है उतनी दूरी पर रखेंगे, पंजों को ढीला छोड़ देंगे, हाथ की हथेलियां थाइस से थोड़ी सी दूर होंगी और छत की तरफ होंगी। आपकी जो उंगलियां हैं, कंधे हैं, कोहनियां हैं, कहीं पर भी कोई आपकी पकड़ नहीं हो, शरीर पूर्णतः शिथिल अवस्था में हो,
आंखें बंद हो, आईज को ब्लिंक नहीं करेंगे, ना ही आईज में प्रेशर डालेंगे। फेस को काम एंड रिलैक्स रखेंगे। हथेलियों का रुख छत की तरफ होगा, जमीन से नहीं लगा के रखिए। जैसे कि इसका नाम है सवासन, शरीर में कहीं आपका कोई भी कंट्रोल इस वक्त नहीं बना होना चाहिए। शरीर को पूर्णतः शिथिल करने के लिए हम इस अभ्यास को कर रहे हैं। मन बिल्कुल निर्विचार रखें और ध्यान को अपने पूरे शरीर पर ले जाइए। सर से लेके पैर तक, पैर से लेके सर तक, अपने शरीर के एक एक जॉइंट को, एक एक जोड़ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कहीं कोई टाइटनेस या कोई कंट्रोल आपने नहीं बना रखा हो। शरीर का भार जमीन में बिल्कुल समर्पित कर दें। अंदर और बाहर दोनों तरफ से अपनी मांसपेशियों को जितना ढीला छोड़ सकते हैं ढीला छोड़ दें। अब शरीर को शिथिल करने के बाद अपने ध्यान को अपने श्वास में ले आएं, अपनी ब्रीदिंग्स में, और ब्रीदिंग को बिना कंट्रोल किए जैसा भी अंदर बाहर जा रहा है बस देखते रहने का प्रयास करें, जिससे कि आपका जो मन है वो इधर उधर ना जाके आपकी श्वास पे आके टिक जाए। सांसें जा रही हैं, आ रही हैं, बिना किसी तनाव के, बिना किसी कंट्रोल के, आप उसको अपनी मन की आंखों से देख रहे हैं बस। शरीर, मन और श्वास तीनों इस वक्त बिल्कुल शिथिल हो चुके हैं, शांत हो चुके हैं, एकाग्र हो चुके हैं। शरीर का कोई भी हिस्सा बार बार हिलाने डुलाने का प्रयास ना करें। सवासन शरीर की थकावट को दूर करता है। आसनों को करने के बाद इस आसन को जरूर करेंगे ताकि कहीं भी किसी पार्ट में ओवर प्रेशर गया हो, पेन गया हो, तो वो रिलीज हो जाए। अब धीरे धीरे अपने हाथ की हथेलियों को रब करिए, आंखें बंद रखिए, जिसको हम एक तरह से पामिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। जब हाथ अच्छे से वार्म हो जाएं, तो उसको अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखों को खोल लीजिए और बाई करवट लेते हुए बैठ जाएं। लेफ्ट साइड से टर्न करिए और वापस बैठ जाएंगे। किसी भी सुखासन में, सुखात्मक आसन में, जो वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ जाएंगे, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो क्रॉस लेग में या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएंगे। किसी भी आसन में जहां आपकी स्पाइन सीधी रह सके और ध्यान शरीर में होने वाले दर्द की तरफ ना जाके अपनी बॉडी पे ब्रीदिंग में रह सके। अभी थोड़ा सा ही बस ब्रीदिंग प्रैक्टिस को करेंगे। सबसे पहले कपालभाति क्रिया। जब हम प्राणायाम की तरफ जा रहे हैं तो कपालभाति क्रिया से हम हमेशा प्राणायाम की शुरुआत करते हैं ताकि हमारे लंग्स क्लीन हो जाएं, शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, गैसेस है एक्स्ट्रा, वो रिलीज हो जाए। तो उसके लिए अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में, जो वज्रासन में बैठे हैं, लेफ्ट के ऊपर राइट पाम रख लें और अपनी नाभि के नीचे हाथ रख लें, और जो नॉर्मल बैठे हैं क्रॉस लेग्स में वो ज्ञान मुद्रा में ही अपने दोनों हाथ रख लें। इस तरीके से थंब और इंडेक्स का टिप और तीनों उंगलियां सीधी। बाकी अब अपने ध्यान को अपने पेट की तरफ ले आए, नाभि वाले हिस्से में। लंबा सांस लेंगे और 20 से 30 बार लगातार पेट को पीछे की तरफ खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब ये सभी को मोस्टली आता है, तो अपने ध्यान को अपने शरीर से जोड़ें, आंखें बंद कर लें, पूरा ध्यान बस पेट की तरफ हो। पेट पे जो खिंचाव आ रहा है बार बार, जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करिए। गर्दन या कंधे की मूवमेंट बिल्कुल भी ना हो। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो इसको थोड़े से इंडिकेशंस के साथ करेंगे। हार्ट प्रॉब्लम में बहुत स्लो स्ट्रोक्स करने हैं हमें, एक्सहेल के 1 सेकंड में एक सांस बाहर करना है, झटके से नहीं करना है। हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम में ही करना ही नहीं है। किसी का कोई पेट से रिलेटेड सर्जरी हुआ है तो भी वो इस क्रिया को ना करें। बाकी सब अपनी क्षमता के अनुसार तेजी से सांस को छोड़ते जाएं।
कपाल भाती क्रिया कफ विकारों के लिए बहुत अच्छी है, जिनको कोल्ड कफ साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी क्योर करती है, पेल्विक मसल्स को टोन करती है, आपकी कोर मसल्स और लोअर बैक मसल्स को भी स्ट्रेंथ देती है। और जैसे कि इसका नाम है कपाल भाती, यानी कि आपका जो फ्रंटल रीजन है उसको प्यूरीफाई करती है, कफ का समन करके, जो साइनस के पॉइंट्स हैं उनको क्लीन करके। सांस को लेना नहीं है, एक बार आपने ले लिया है ध्यान पेट में हो और पेट से लगातार सांस बस बाहर आ रहा हो, बस आंखें बंद रहेंगी, कपाल भाती क्रिया को यहीं पर छोड़ देंगे और इसके प्रभाव को महसूस करेंगे। अपनी पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, उसमें जो स्ट्रेस आ रहा है या तनाव बना हुआ है उसको रिलीज करेंगे। कई बार जब हम रेगुलर नहीं कर रहे होते, शुरू शुरू में हमारा हार्ट रेट फास्ट होना शुरू हो जाता है, जिनकी हार्ट रेट तेज है वो अपनी हार्ट रेट को स्लो करेंगे, जिसके लिए अपनी आंखें बंद होंगी, ध्यान को अपने हार्ट से कनेक्ट करेंगे और डीप इनहेल एक्सहेल करेंगे। अब हम यहीं से प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। आपका बायां हाथ लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में रहेगा, इंडेक्स फिंगर और थंब के टिप को मिला के तीनों उंगलियों को सीधा रखेंगे, बहुत ज्यादा खींचेंगे नहीं, और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे, यानी कि जो दूसरी तीसरी उंगली है उसको मोड़ लेंगे, राइट हैंड का जो अंगूठा है उससे राइट नोज को बंद करेंगे और लेफ्ट नोज जो कि खुला हुआ है उससे लंबा गहरा सांस अंदर लेंगे, फिर लेफ्ट नोज को बंद करेंगे लास्ट की दोनों उंगलियों से और राइट से सांस को धीरे धीरे छोड़ देंगे, फिर राइट से सांस को वापस भरेंगे, नोज को क्लोज करेंगे अंगूठे से और लेफ्ट से सांस को छोड़ देंगे। ऐसे एक क्रम पूरा हुआ है, कम से कम 4 रिपीटेशन और करेंगे। अभी हम बस सीधा इसको करना शुरू कर चुके हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं गए क्योंकि समय का अभाव है, बट आप करते करते ही सुनेंगे। सबसे पहली जो इसमें एक चीज आपको ध्यान देनी है कि आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, पेट और चेस्ट को मिला के नहीं बैठना है, वरना आपके लंग्स ओपन ही नहीं है, उनमें ऑक्सीजन का इंटेक नहीं होगा अच्छे से। दूसरा, सांसों को इतना धीमा गहरा करिए कि आपको सांस लेने छोड़ने में खुद को भी अपनी सांस की आवाज नहीं सुनाई दे। हर सांस जब अंदर जा रहा है तो आपका पेट और चेस्ट थोड़ा सा बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे हैं तो चेस्ट और पेट वापस अंदर जा रहा है। तीसरा, सांस लंबा गहरा लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप जबरदस्ती सांसों को अपनी क्षमता से ज्यादा जाके लें, जस्ट यूज योर ओन कैपेसिटी, चाहे वो 3 सेकेंड है, चाहे 5 सेकेंड है, चाहे 10 सेकेंड है। जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाते हैं आपकी सांस अपने आप ही लंबी गहरी बनती जाएगी। इसको सब करिए, ये बोरिंग सबको लग रहा है, सब छोड़ के बैठ चुके हैं, बट ये हमारे इनर बॉडी के लिए उतना ही हेल्पफुल है जितना आसन फिजिकल बॉडी के लिए है। गर्दन को ऊपर नीचे नहीं, गर्दन एक जगह बीच में ही होगी। सांस को हम ले रहे हैं जिस नोज से, उसके दूसरे नोज से सांस को छोड़ रहे हैं, फिर वहीं से वापस ले रहे हैं और फिर दूसरे नोज से बाहर कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर जो 72,000 नस नाड़ियां हैं उनको प्यूरीफाई करता है, उनमें प्राण ऊर्जा का संचार करता है। जो नस नाड़ियों की प्रॉब्लम से पहले से परेशान हैं, जिनकी कोई नस ब्लॉक है या कहीं भी बैक में, नेक में, शोल्डर में प्रॉब्लम है, तो उनके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी है और उनको कम से कम 5 से 15 मिनट तक इसको रेगुलर करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा समय नहीं भी है तो 3 से 5 मिनट भी अगर रेगुलर इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरे दिन आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इतना अच्छा बन जाता है कि आपको एनर्जेटिक फील होता है। बट आपको इसको करना है, जैसे कि अभी ही कई लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे तो वो लोग शायद बाद में भी इसको नहीं करेंगे। तो योग दिवस का अर्थ यही है कि आप इसको अपनाएं और अपने रेगुलर जो आपका लाइफ स्टाइल है उसको इसका एक पार्ट बना लें। कमर सीधी हो, ऐसे झुक के नहीं बैठेंगे, और जो अभी ऐसे बैठ रहे हैं जिनके स्पाइन में अभी इतनी ताकत नहीं आई है कि वो सीधा रख सकें, तो वो उसको चेयर में बैठ के करेंगे, जब खुद से बाद में इसको करें तभी आप इसको करते हुए इसके जो बेनिफिट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएंगे। अब हम अपने राउंड को लेफ्ट नोज से ही सांस छोड़ते हुए पूरा करेंगे और हाथ वापस ज्ञान मुद्रा में नीचे रख देंगे। आंखें बंद ही रहेंगी,
प्राणायाम के प्रभाव को अपने मन में और शरीर पर महसूस करिए। इससे ना सिर्फ हमारा मन शांत होता है, सांसें लंबी गहरी हो जाती हैं, बल्कि हमारा शरीर भी तनाव मुक्त होता है। और एक तरह से ये हमें ध्यान के अभ्यास की तरफ ले जाता है। जब हम आंखें बंद करके बस सांसों को देख रहे हैं, उनको लेना और छोड़ने का अभ्यास कर रहे हैं, तो माइंड कहीं और ना जाके बस श्वास पे केंद्रित था, जिससे कि हमारा जो फोकस और कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होने लगता है। आप कुछ समय के लिए आंखें बंद ही रखें, कमर को सीधा रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा जैसे कि नाम है, नॉलेज गेनिंग मुद्रा इसको बोलते हैं। इससे आप कुछ चीज जल्दी से अडॉप्ट करते हैं, ध्यान की तरफ अग्रसर होते हैं। इसलिए इसको प्राणायाम में, ध्यान के अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करें। अब हम लास्ट प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे बॉडी के साथ साथ ब्रेन को रिलैक्सेशन देता है। एक तरह से कहें तो ये हमारे ब्रेन की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। जिनको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या कोई भी ब्रेन से रिलेटेड न्यूरो रिलेटेड डिसऑर्डर है, उन सबको क्योर करने के लिए, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास बहुत अच्छा है। और ये हमारे लंग्स कैपेसिटी को भी बढ़ाता है। इससे एक ऐसी गैस रिलीज होती है जो हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है, हार्ट रेट है, उसको स्लो करने का काम करती है। तो पहले इसको हम सरल तरीके से करेंगे, ताकि जिन्होंने पहले कभी नहीं किया है वो भी इसको कर पाएं। हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे, कमर को सीधा रखें, आंखें बंद रखेंगे, सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे, जिसको हम हमिंग साउंड बोलते हैं, यानी मकार ध्वनि। माँ बोलेंगे बिना मुंह खोले। आप सबने महसूस किया होगा, जब हमने माँ की ध्वनि की तो उसकी जो वाइब्रेशन है, जो गुंजन है, वो गले से लेके आपकी क्राउन चक्र यानी कि सेंटर ऑफ द हेड तक जा रही है, उसको वाइब्रेट कर रही है। अब इसी को हम षटमुखी मुद्रा में करेंगे, जिसमें या सिंपल मुद्रा बनाएंगे ताकि सब समझ लें जल्दी से। अपने कानों को बंद करेंगे, अंगूठे से जो छोटा सा ईयर के बाहर का कार्टिलेज है इसको प्रेस कर लेंगे, ताकि हमें दूसरे की आवाज ना आए, डिस्टर्बेंस ना हो। और जो बाकी चारों उंगलियां हैं उनको हल्की से आंखों के ऊपर रख लेंगे। बाकी सेम चार बार रिपीट करेंगे, सांस लंबा गहरा छोड़ते हुए हमिंग साउंड। आंखें बंद रखिए जो वापस आ चुके हैं। अपनी आईज को क्लोज रखिए, भ्रामरी के इंपैक्ट को अपने बॉडी में फील करें, माइंड की कामनेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस स्टेट्स को एक्सपीरियंस करें। और इस सत्र का या सेशन का समापन हम करेंगे प्रार्थना के साथ। अपनी दोनों हथेलियों को मिला लेंगे, कमर को सीधा रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और एक शांति पाठ जो आप सभी को शायद आता ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, उसका एक साथ उच्चारण करना शुरू करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। अपनी हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे आपस में रब करिए। हल्के से अपनी बंद आंखों के ऊपर रखिए और धीरे धीरे अपनी हथेलियां देखते हुए आंखों को पुनः खोल लेंगे। बैठे बैठे पूरे शरीर को एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए, जैसे हमने खड़े होकर ऊर्ध्वस्थानासन किया था, उसका पुनः प्रयास। सांस लेंगे। ये आप अपने ऑफिस टाइम में भी, जब भी आपके नेक शोल्डर में स्ट्रेस बनने लगे, स्पाइन में स्ट्रेस बनने लगे, तो हर 2-3 घंटे बाद इसको कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस अपने हाथ खोलेंगे और यहीं पर सत्र का समापन करेंगे। धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब इसको बस एक आज के लिए नहीं बल्कि अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में कम से कम आधा घंटा रोज करें। धन्यवाद आपका, आपने हमको इतना अच्छा योग सिखाया आज, और हम सभी उम्मीद करेंगे कि हम इसको सिर्फ आज के दिन ही नहीं करें, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अपने रोज सुबह कम से कम आधा घंटा हम योग अभ्यास करें। और हमने एक सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करी हुई है, आप सब लोग यहीं पे बैठेंगे, यहीं पे आपको अभी जलपान हम लोग देंगे, आप लोग यहीं पे बैठिएगा। और दूसरा एक अटेंडेंस सीट हम लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के बीच में सर्कुलेट करी है, तो आप सभी से अनुरोध है कि उसमें जरूर अपना अपनी सिग्नेचर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें ये मंत्रालय में भेजनी है कि हमने कितना आज योग सत्र किया है, कितने लोगों ने योग सत्र अटेंड किया हुआ है। तो मैं अनुरोध करूंगा कि एक सूक्ष्म जलपान हम लोगों के बीच में अब हम लोग लेके आ रहे हैं, आप लोग यहीं पर बैठिएगा। और पुनः धन्यवाद, आप सभी आए योग सत्र में, आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद।